नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। फ्लावर डेवलपमेंट पार्ट टू में आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस एंड हिस्टोजेनेसिस कैसे होती है, जो ये फ्लावर के डेवलपमेंट की जो प्रक्रियाएं हैं ये दोनों ये कैसे होती हैं, इनके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं इसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होती है। उसके लिए एक एग्जांपल को लेकर आपको ये समझाया गया है। वो एग्जांपल है ब्यूटोमस अम्बेलेटस। इसकी थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी की गई है हर प्रत्येक डेवलपमेंटल स्टेजेस की, और उसके आधार पर एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये पहले क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, मतलब अलग अलग स्टेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये प्लांट है ब्यूटोमस अम्बेलेटस। ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, दिस इज अ सिंगल फ्लावर। इसमें आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स इसके अलग दिखाए गए हैं, कार्पल, स्टेमस, इसके पेरियंथ एंड पेटल्स। इसको कैसे पहचाने, जो मैच्योर फ्लावर होता है उसमें 6 फ्री इम्ब्रिकेटेड पेरियंथ होते हैं। दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। आप देख सकते हैं तीन तीन के दो सर्कल्स में पेरियंथ प्रेजेंट है। उसके बाद देयर आर 9 स्टेमस, 9 स्टेमस होते हैं। उसमें जो बाहर का वॉल होता है, बाहर का सर्कल, उसमें 6 होते हैं, और एक अंदर का सर्कल होता है उसमें 3 होते हैं, 3 स्टेमस प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर दिस इज दीज आर स्टेमस। क्योंकि फ्लावर बहुत छोटा होता है इसलिए अलग अलग सर्कल्स डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन संरचना के आधार पर इसमें 6 बाहरी सर्कल में प्रेजेंट होते हैं स्टेमस, और 3 अंदर के सर्कल में प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स की संख्या 6 होती है और ये एक सिंगल सर्कल में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज दीज आर कार्पल्स, 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं, 9 स्टेमस देख सकते हैं एंड 6 पेरियंथ दे सकते हैं जो कि 2 वॉल्स में प्रेजेंट है। तो इसको क्योंकि संख्या निर्धारित है, संरचना आसान है, इसलिए इसको स्टडी की गई 3D फोटोग्राफी के आधार पर। और उससे क्या पता चला वो देखिए। सबसे पहले 3 आउटर ट्रिपल प्राइमोडिया अपीयर होते हैं इन रैपिड सक्सेशन एट द पेरीफेरी ऑफ द डोम शेप्ड फ्लोरल अपेक्स। जो फ्लोरल अपेक्स है वो डोम शेप्ड रहता है, उसके पेरीफेरी पर ये 3 आउटर टेपल प्राइमोडिया सबसे पहले विकसित होते हैं। उसको आप देख सकते हैं मार्क्ड के, के लिखा हुआ है, 1 2 और 3। दिस इज आउटर टेपल्स, आउटर पेरियंथ। उसके बाद दे आर फॉलोड बाय 3 इनर टेपल प्राइमोडिया। उसके बाद 3 अंदर वाले टेपल्स के जो रिंग के प्राइमोडिया थे, टेपल्स थे, वो उनकी प्राइमोडिया विकसित हुई एंड विच इन टर्न ऑल्सो फॉर्म इन रैपिड सीक्वेंस इनसाइड एंड अल्टरनेट टू द अपर टेपल प्राइमोडिया। जो बाहरी बाहर का सर्कल था उसके अल्टरनेट थे ये। इसको मार्क किया गया है सी से, यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा अंदर की तरफ है, और जो के वाले के अल्टरनेट है, 2 के बीच में एक सी आता है। उसके बाद द इनर टेपल प्राइमोडिया फॉलोड बाय 3 पेयर्स ऑफ स्टेमन प्राइमोडिया। 3 पेयर्स मीन 6, 6 स्टेमस प्राइमोडिया डेवलप होते हैं, जिसको ए से मार्क किया गया है। ये आप देख सकते हैं चित्र सी में, ये था आपका के, ये के एंड दिस इज के, एंड ये था सी, इनर सर्कल के टेपल्स थे सी सी एंड सी, ये हो गए 6। उसके बाद पेयर्स में जो पहले का के था उसके अल्टरनेट देख सकते हैं, उसके अपोजिट साइड में ये 2 एक पेयर, ये 2 दूसरा पेयर एंड ये 2 तीसरा पेयर, ये ए से डिनोट किया गया है। यहाँ पढ़ सकते हैं छोटा छोटा लिखा हुआ है, क्योंकि ये माइक्रोग्राफ है इसलिए उतना आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, उतना साफ दिखाई नहीं देता। ए ए, तो ये जो थे ये 6 बाहरी सर्कल के स्टेमस हैं, एंड्रोशियम इसको कहते हैं, इसलिए ए से मार्क किया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, द स्टेमन प्राइमोडिया ऑफ ईच पेयर आर सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द इनर टेपल प्राइमोडिया। जो बाहर का प्राइमोडिया था उसके तो अपोजिट पड़ता था, और जो इनर टेपल प्राइमोडिया था उसके दोनों साइड पड़ता था। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से मार्क किया हुआ है, ये है इनर साइड इनर टेपल प्राइमोडिया, इसके दोनों साइड में है, आइदर साइड ऑफ द इनर टेपल प्राइमोडिया ए। उसके बाद द 6 आउटर स्टेमस प्राइमोडिया जो बनते हैं दैट आर फॉलोड बाय 3 इनर टेपल स्टेमस प्राइमोडिया। 6 बाहर के पहले बन चुके हैं, उसके बाद 3 अंदर की प्राइमोडिया बनने शुरू हो जाते हैं। यहां देख सकते हैं ई क्षेत्र में 1 2 और ये 3।
ये बनने के बाद क्या होता है, जो सिक्स कार्पल प्राइमोर्डिया थे वो बनने लगते हैं। सिक्स कार्पल प्राइमोर्डिया जिसको जी से मार्क किया गया है अराइज ऑन द फ्लैंक्स ऑन ऑन द फ्लोरल एपेक्स लिविंग द लार्ज रेसिडुअल एपेक्स। रेसिडुअल एपेक्स करने का मतलब है कि बीच का जो रह जाता है एपेक्स वो तो फ्री रह जाता है। उसके चारों तरफ छह कार्पल प्राइमोर्डिया बनते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं, दे अपियर इन टू अल्टरनेट एंड ट्राइमेरस वॉल्स। वो आपको आगे चित्र में दिखाती हूँ मैं, यहाँ देख सकते हैं आपको, इसको मार्क किया गया है जी से, ये फर्स्ट जी, एक दो तीन चार पांच और ये छह, ये छह जो है वो कार्पल्स के हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म थ्री का जो पहले बनते हैं तीन कार्पल प्राइमोर्डिया वो तो अल्टरनेट होते हैं, जो तीन इनर स्टेमस प्राइमोर्डिया थे उसके अल्टरनेट है। सबसे पहले जो फर्स्ट बनते हैं तीन कार्पल प्राइमोर्डिया, पहले तीन कार्पल प्राइमोर्डिया बनते हैं और वो अल्टरनेट होते हैं, जो तीन स्टेमन प्राइमोर्डिया थे उसके अल्टरनेट बनते हैं। उसके बाद तीन इनर प्राइमोर्डिया भी बनने लगते हैं, इनर कार्पल प्राइमोर्डिया जो गाइनेशियम का पार्ट है, और ये जो होते हैं जो पहले से तीन बन चुके हैं उससे थोड़ा सा ऊंचे बनते हैं, ऊंचाई पे बनते हैं, राइज अ लिटिल हायर ऑन द फ्लोरल एपेक्स, और ये अपोजिट होते हैं तीन इनर स्टेमन प्राइमोर्डिया के। जबकि जो बाहर के तीन थे, जो पहले के तीन कार्पल प्राइमोर्डिया बने थे वो इनर स्टेमेंस के अल्टरनेट थे, और जो बाद में तीन बन रहे हैं वो स्टेमेंस के अपोजिट हैं। इन वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द कार्पल प्राइमोर्डिया अस्यूम्स अ हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में जी में, ये उसका जो कार्पल प्राइमोर्डिया है वो इस तरह का हो जाता है, ऐसा दिखाई देता है। आप ये सभी देखते हैं छह इस तरह से हैं हॉर्सशू शेप के। द मार्जिन ऑफ द कार्पल प्राइमोर्डिया कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जो कार्पल प्राइमोर्डिया जो है उसके मार्जिन से एक दूसरे से पास पास आ जाते हैं, बट दे नेवर फ्यूज, वो फ्यूज नहीं होते एंड बिकम नैरोअर एपिकली, और ऊपर की तरफ बाहर की तरफ ये नुकीले हो जाते हैं। इस तरह से जो बॉटिमेनस अम्बेलेटस में जो फ्लोरल पार्ट्स बनते हैं फॉर्म इन अ कंटिन्यूअस एक्वोपेटल सीक्वेंस, एक्वोपेटल सीक्वेंस बनते हैं बाहर से अंदर की तरफ, पहले टेपल्स बनेगा फिर स्टेमेंस बनेंगे फिर कार्पल्स बनेंगे, तो इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ ये इनका सीक्वेंस होता है बनने का। कभी कभी क्या होता है, दिक सीक्वेंस में भी मोर और लेस मॉडिफाइड, कभी कभी अलग अलग टेक्सा में ये मॉडिफाई भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि क्रूसीफेरी में क्या होता है, स्टेमेंस एंड कार्पल प्राइमोर्डिया जो होती है वो पेटल्स से पहले बनती है, तो इसमें उल्टा हो गया, कार्पल एंड स्टेमेंस सेंटर में है वो पहले बनेगी और पेटल्स बाद में बनते हैं। इन कंपोजिटी द कैलिक्स इज इनिशिएटेड लास्ट, कैलिक्स लास्ट में बनता है। लथाइरसी में क्या होता है, पेटल्स प्राइमोर्डिया आर फॉर्म्ड आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ जर्मिनेशन। पेटल्स के प्राइमोर्डिया कब बनते हैं, जब गाइनेशियम स्टार्ट हो जाती है बननी, उस समय बनते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्यूटोमस अम्बेलेटस का ये कार्पल वाला हिस्सा है जो हॉर्सशू शेप का है और इलोंगेट होकर अगली तरफ संकरा हो जाता है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर इन ग्रासेस, ग्रासेस में क्या विशेषता होती है, ये कैसे बनते हैं। चूंकि ग्रासेस के जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी संरचना अलग होती है, इसलिए उनका डेवलपमेंट भी अलग तरीके से होता है। एट द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जैसी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है, द एपेक्स इलोंगेट्स रैपिडली, एपेक्स जो है बहुत तेजी से इलोंगेट होता है एंड एक्सपेंड्स इन विथ, चौड़ाई में भी बढ़ती है, और बाद में एपेक्स पर अ डबल रिज अपीयर्स, एक डबल रिज मतलब तो उभार, दो उभार उभरने दिखाई देते हैं ऑन द इन्फ्लोरेसेंस एपेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशिएशन ऑफ स्पाइकलेट प्राइमोर्डिया। ये होता कब है, चूंकि ये स्पाइक के फॉर्म में रहते हैं, स्पाइकलेट के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए एक डबल रिज उभरती है इन द एक्सिस ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया के एक्सिस पे बनती है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं उनका आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है, प्रोग्रेसिवली स्मॉलर इन साइज एज दे पास टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। जैसे हम पुष्प क्रम में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो उसका लीफ प्राइमोर्डिया है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया है, स्पाइकल प्राइमोर्डिया है, वो आकार में छोटी होती जाती है। विद इन द स्पाइकलेट ग्लूम्स एंड फ्लोरल फ्लोरेट्स अपीयर इन एक्वोपेटल सीक्वेंस, इसमें भी एक्वोपेटल सीक्वेंस में ही होता है। आप देख सकते हैं ये संरचना है स्पाइकलेट की, दिस इज द लोअर ग्लूम्स, दिस इज द लोअर ग्लूम, ये दिस इज अपर ग्लूम, दिस इज लेमना, उसके अंदर की तरफ होता है पैलिया, ये देखिए पैलिया, उसके और अंदर आते हैं तो लॉडिकूस दिखाई देते हैं, उसके बाद स्टेमस दिखाई देते हैं, और सबसे सेंटर में ओवरी दिखाई देती है।
इस तरह के एक एक तरह से ये एक फ्लोरेट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लोरेट। इनका विकास कैसे होता है इसको हम आगे देखते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स हैं वो किस तरह से हैं, जैसे कि लेमना, ये सीक्वेंस थे, सबसे बाहर लेमना, फिर पेलिया, फिर लॉडिक्यूल्स, फिर स्टेमेंस, फिर गाइनोशियम, इसको कार्पल कहते हैं गाइनोशियम को। तो इसी सीक्वेंस में इनका विकास होता है। प्राइमोर्डिया ऑफ लेमना, पेलिया एंड लॉडिक्यूल्स आर नियरली डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर। जो तीनों के हैं लेमना, पेलिया एंड लॉडिक्यूल्स के जो प्राइमोर्डिया होते हैं वो लगभग डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, जबकि जो स्टेमेंस के हैं दैट आर समवॉट राउंडेड। जो स्टेमेंस के प्राइमोर्डिया होती हैं वो गोलाकार होते हैं, भाग जो होती है उसकी गोलाकार होती है। जो गाइनोशियम होती है दैट अराइज एज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो एक रिंग के फॉर्म में भाग दिखाई देता है इसका, विच इज हाइएस्ट अपोजिट द लेमना, वो थोड़ा ऊंचाई पर होती है और लेमना के अपोजिट होती है। द फ्लोरल एपेक्स डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ सिंगल ओव्यूल प्राइमोर्डिया। जो फ्लोरल एपेक्स है, जो टिप का हिस्सा है, वो एक सिंगल ओव्यूल या सिंगल कार्पल प्राइमोर्डियम बनाती है। और टू स्टाइल्स आर इनिशिएटेड ऑन द गाइनोशियल रिंग एंड लेटर दे डेवलप स्टिग्मेटिक हेयर्स। दो स्टाइल्स डेवलप हो जाते हैं जो गाइनोशियल रिंग की तरह बाहर की तरफ, जो बाद में स्टिग्मेटिक हेयर की तरह कार्य करते हैं। इसको मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, जो ये चित्र है माइक्रोग्राफ, इसमें आपको दिखाई गई है फ्लोरल पार्ट्स। दिस इज बाहर की तरफ सबसे ऊपर लेमना, सबसे बाहर की तरफ लेमना, फिर है इनर सर्कल पेलिया, फिर है लॉडिक्यूल्स, दीज आर लॉडिक्यूल्स, उसके बाद है दिस इज द स्टेमेंस, स्टेमन के दो हिस्से एंथर एंड फिलामेंट एंड कार्पल के तीन से, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, सेंटर में बनेगा ओवरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको, उस माइक्रोग्राफ का मैंने इलाज किया है आपको ये दिखाने के लिए कि स्पाइकलेट के जो फ्लोरेट्स हैं उसमें फ्लावर पार्ट्स कहाँ कहाँ से इनिशिएट होते हैं। ये एक पूरा स्पाइकलेट का माइक्रोग्राफ है, इसमें ये ढेर सारे फ्लोरेट्स लगे हुए हैं। ये एक फ्लोरेट का इनिशियल पार्ट है, ये एक फ्लोरेट है, इसके पास में ये दूसरा फ्लोरेट है, इस तरह से बहुत सारे फ्लोरेट्स लगे हुए हैं। और इसमें जो पार्ट्स इनिशिएट होते हैं फ्लावर पार्ट्स, जैसे कि लेमना, पेलिया, ग्लूम्स, स्टेमेंस, गाइनोशियम, ये कैसे होते हैं यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही बारीक है। जी जी इज फॉर ग्लूम, ग्लूम यहाँ इनिशिएट होता है, एल फॉर लेमना यहाँ इनिशिएट हो रहा है, उसके ऊपर के एक छोटे तीन उभार है, उसमें तीन छोटे छोटे उभार हैं, एस एंड दिस इज सेकेंड एस एंड दिस इज थर्ड एस, ये है स्टेमेंस के उभार हैं, स्टेमेंस प्राइमोर्डिया है ये। उसके सेंटर में यहाँ पर जी कार्पेल का उभार है, सी से नोट किया गया इसको, दिस इज कार्पेल गाइनोशियम एंड दिस इज फ्लोरल एपेक्स, फ्लावर प्राइमोर्डिया का उभार है। तो इस तरह से ये बहुत सारे सभी में देख सकते हैं, इस तरह यहाँ भी दिखा रहे हैं, यहाँ मार्क नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से ये उभार जो प्राइमोर्डिया है उनके उभार इस फॉर्म में अरेंज होते हैं फ्लोरेट्स के लिए। अब देखते हैं आयरिस डिकोरा में क्या होता है। आयरिस डिकोरा में आउटर टेपल एंड स्टेमेंस प्राइमोर्डिया अराइज टुगेदर। जो बाहर के टेपल्स हैं और स्टेमेंस प्राइमोर्डिया वो एक साथ अराइज होते हैं। और टेपल्स को पी ओ दिखाया गया एंड स्टेमेंस को ए, यहां आप देख सकते हैं ए, फिर इज स्टेमेंस एंडोशियम के लिए ए लिखा हुआ है एंड पेरियंथ के लिए पी लिखते हैं, पी जीरो, ये इस तरह से एक दो तीन, पहले पी जीरो वाले इनिशिएट होंगे, उसके बाद द प्राइमोर्डिया ऑफ द इनर टेपल उसको पी आई लिखते हैं, आउटर जो टेपल्स हैं उसको पी ओ एंड इनर टेपल को पी आई, वो अल्टरनेट रेडियाई बनती है। तो ये बाहरी वाले पी ओ इज आउटर, पी ओ पी ओ एंड दिस इज इनर पी आई एंड दिस इज सेकेंड पी आई एंड दिस इज सेकेंड पी आई। जो आउटर टेपल प्राइमोर्डिया है उसका बेस ब्रॉड होता है, जबकि इनर टेपल प्राइमोर्डिया का बॉस थोड़ा छोटा होता है बेस। इन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटर प्राइमोर्डियल ग्रोथ कनेक्ट्स द टेपल प्राइमोर्डिया एंड इवेंचुअली फॉर्म अ शॉर्ट ट्यूब। ये दोनों प्राइमोर्डिया के जो बेसिस हैं आपस में जुड़ जाते हैं और एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर संरचना बन जाती है। आप यहां देख सकते हैं दिस इज ए, ये है पी ओ, ये पी आई, ये पी ओ, दिस इज पी आई, अल्टरनेट है, यहाँ आएगी पी ओ एंड दिस इज पी आई एंड दिस इज ए।
बाद में क्या होता है, द मार्जिन ऑफ द आउटर टेपल प्राइमोर्डिया ग्रोज फास्टर, जो बाहर की प्राइमोर्डिया थी वो तेजी से बढ़ती है एंड बिकम इनवोल्यूटेड। ओकेजनली द फ्लावर बर्ड्स आर डाइमेरस। अब देखते हैं हिस्टोजेनेसिस क्या होता है। हिस्टोजेनेसिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो सेल्स है उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जो लैटरल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स जो हैं लेबल्स पेटल्स स्टेमस कार्पल्स दैट आर कंपेरेबल टू लीव्स जैसे इन देयर ओरिजिन एंड देयर मोड ऑफ ग्रोथ, अपने विकास में भी और ग्रोथ में भी। लाइक फोलियज लीव्स द फ्लोरल ऑर्गन्स ओरिजिनेटेड बाय पेरिग्लैंडर डिवीजन। ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं, जो बेसिक सेल है प्रारंभिक सेल है उसके पेरिग्लैंडर डिवीजन से ये इनिशिएट होते हैं और ये बनते कहाँ हैं, द सेकेंड और मोर डीपर लेयर्स ऑफ फ्लोरल मेरिस्टम, जो फ्लावर का मेरिस्टम है उसके सेकेंड लेयर में या उसके अंदर के लेयर्स में ये इनिशिएट होते हैं। समटाइम्स एज इन सम मोनोकॉट्स द इनिशिएटिंग डिवीजन में अकर इन द प्रोटोडर्म, कभी कभी ये प्रोटोडर्म के जो सेल्स हैं वो भी डिवाइड होते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं और फ्लोरल के जो ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, वो सेल्स बनाते हैं जो आगे जाके सेपल्स पेटल्स स्टेमस एंड कार्पल्स बनाएंगे। और इसको बताया था बर्नार्ड ने 1957 में। द डेप्थ ऑफ द साइट ऑफ दीज डिविजन में वेरी फॉर डिफरेंट फ्लोरल ऑर्गन्स विद इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अलग अलग फ्लोरल ऑर्गन्स जो डिवाइड के लिए जो सेल डिविजन होता है उसकी डेप्थ एंड साइट अलग अलग हो सकती है। द इनिशिएटिंग पेरिग्लाइनर डिविजन आर फॉलोड बाई डिविजन इन वेरियस प्लेन्स। पहला डिविजन तो है पेरिग्लाइनर सर्फेस वाइज डिविजन है, उसके बाद के जो डिविजन होते हैं वो अलग अलग कई प्लेन्स में होते हैं और उसी की वजह से कई प्लेन में डिविजन होने की वजह से जो प्राइमोर्डिया है एक उभार की तरह दिखाई देती है। द सेपल्स एंड पेटल्स प्राइमोर्डिया, जो सेपल्स एंड पेटल्स के प्राइमोर्डिया होते हैं इन देयर अपवर्ड ग्रोथ शो एपिकल एक्टिविटी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, उनमें एपिकल ग्रोथ दिखाई देती है कुछ समय के लिए और उसके बाद की जो ग्रोथ होती है दैट इज इंटरकैलरी। पहले एपेक्स पे वृद्धि होती है और बाद में नीचे की तरफ इंटरकैलरी वृद्धि होती है। ग्रोथ एंड विड्थ ऑफ दीज ऑर्गन्स, इसकी चौड़ाई कैसे बढ़ती है, उसमें मार्जिनल एक्टिविटी होती है, मार्जिनल डिविजन होते हैं एंड दस दे अज्यूम अ डॉर्सी वेंट्रल फॉर्म। मार्जिनल डिविजन की वजह से उनका जो आकार होता है वो डॉर्सी वेंट्रल हो जाता है शेप। यहाँ देख सकते हैं दिस इज ए इज फ्लोरल बर्ड ड्यूरिंग सेपल इंसेप्शन, जब सेपल स्टार्ट होती है तो यहाँ दिखाई देते हैं दिस इज के एंड एफ इज फ्लोरल एपेक्स, एफ इज फ्लोरल एपेक्स। बी डायग्राम में फ्लोरल बर्ड ड्यूरिंग पेटल इंसेप्शन, सेपल तो पहले इनिशिएट हो चुकी है वो के से दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये थोड़ी सी बड़ी हो चुकी होती है तब जाके कैलिक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पर शो होती है जिसको हम सी से दिखाते हैं दिस इज सी। तो यहाँ हल्की सी उभार दिखाई देगी सी के लिए दोनों साइड में एंड दिस इज फ्लोरल एपेक्स जो हमेशा फ्री रहेगी। उसके बाद क्या होता है, द स्टेमन प्राइमोर्डिया जो होती है ऑल्सो अंडरगो एपिकल ग्रोथ, उसमें भी एपिकल ग्रोथ होती है कुछ समय के लिए और उसके बाद इंटरगैलरी ग्रोथ होती है जिसकी वजह से लंबाई टिप से भी बढ़ती है और नीचे से भी बढ़ती है और इंटरगैलरी ग्रोथ की वजह से जो फिलामेंट होती है वो लंबी हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं सी में फ्लोरल बर्ड ड्यूरिंग स्टेमन इंसेप्शन, जब स्टेमस बनने लगते हैं तब क्या होता है, ये था कैलिक्स, कैलिक्स का स्टेमन सेपल का एंड दिस प्राइमोर्डिया वाज फॉर पेटल सी था, उसके बाद अंदर की तरफ रिलीज होती है ए, ए इज फॉर स्टेमस प्राइमोर्डिया एंड दिस इज फ्लोरल एपेक्स। जो स्टेमस प्राइमोर्डिया है वो मोटी होती है एंड मच ब्रॉडर एपेक्स, उसके एपेक्स थोड़ी मोटी होती है और सेपल और पेटल प्राइमोर्डिया की तुलना में। व्हेन द स्टेमस फिलामेंट आर फ्लैट, जब स्टेमस के फिलामेंट फ्लैट हो जाते हैं दे शो मोर मार्जिनल ग्रोथ, मार्जिनल ग्रोथ की वजह से ही जो है वो जो चौड़ाई होती है उनकी बढ़ती है, साइड वाइज फ्लैट होते जाते हैं ये, जबकि जो सिलिंड्रिकल स्टेमस होती है उसमें मार्जिनल ग्रोथ नहीं होती, उसमें सिर्फ एपिकल ग्रोथ होती है और इंटरकैलरी ग्रोथ होती है, इससे सीधा वो गोलाई में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अ स्पेशल टाइप ऑफ मार्जिनल एक्टिविटी इन एंथर्स प्रोड्यूसेस अ कैरेक्टरिस्टिक टू लोब्ड फोर चैम्बर्ड स्ट्रक्चर्स। आपको मालूम है एंथर में फोर लोब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, टू लोब्ड होते हैं जिसमें चार चैम्बर्स बनते हैं, वो होती है मार्जिनल एक्टिविटी की वजह से, बहुत स्पेशल टाइप की मार्जिनल डिवीजन होती है, मार्जिनल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से जो एंथर का टिप है वो आगे जाकर टू लोब्ड एंड फोर चैम्बर्ड हो जाता है। एंड दिस लास्ट डायग्राम इज डी फ्लोरल बर्ड ड्यूरिंग गाइनेशियम इंसेप्शन, ये सभी ये दिस इज के दिस इज सी, ये बन गया स्टेमस का प्राइमोर्डिया और उसके बाद यहाँ शो हो जाती है गाइनेशियम की प्राइमोर्डिया, इसको कार्पल प्राइमोर्डिया ही कहते हैं और सेंटर का रीजन हमेशा फ्री होगा फ्लोरल एपेक्स।
देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ गायनेशियम. गायनेशियम का विकास अलग अलग तरीके से हो सकता है और ये कैसा होगा डिपेंडिंग ऑन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. गायनेशियम जो है वो कैसी है, एपोकार्पस है सिनकार्पस है, उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है. क्योंकि अगर वो सिनकार्पस हुआ तो जो उसका कार्पस यूनाइटेड फ्लोरल पार्ट से जुड़ जाते हैं. However, carpal primordia also exhibit apical and marginal growth. Carpal primordia में भी apical and marginal growth होती है and an adaxial meristem is responsible for the growth in thickness. उसकी मोटाई कैसे बढ़ती है, एक adaxial meristem होता है. Adaxial means axis से लगा हुआ जो meristem होता है वो present होता है, active होता है, जिसकी वजह से carpal की मोटाई में वृद्धि होती है. Apocarpus gynecium में क्या होता है, the carpus primordium may arise as a discrete unit. एक अलग से डिफरेंट यूनिट में निकलती है एंड अ सिंगल स्ट्रक्चर, वो किसी से जुड़ती नहीं, एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होती है. जबकि सिनकार्पस दे अंडरगो ऑन्टोजेनिक डिफ्यूजन, बाद में फ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से सिनकार्पस डेवलपमेंट होता है, सिनकार्पस कार्पल्स बनते हैं. धन्यवाद, आशा करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. आप इसके चित्र और नोट टेक्स्ट के हिसाब से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं. थैंक यू.